सिंगरौली के मलगो गांव में भालू घर में घुसने से हड़कंप मच गया। घर में घुसे भालू ने सेल्फी ले रहे व्यक्ति पर हमला कर घायल कर दिया। इसके साथ ही एक शराबी को भी भालू ने घायल कर दिया, जो कि नशे की हालत में भालू को भगाने पहुंचा था। सिंगरौली के माड़ा वन परिक्षेत्र अंतर्गत मलगो गांव में महुआ की गंध सूंघकर भालू घर में घुस गया। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना देने पर एसडीओपी फॉरेस्ट, वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित वन रक्षक गांव पहुंचे। वन विभाग द्वारा भालू को घर के बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था, तभी एक व्यक्ति मना करने के बाद भी सेल्फी लेने पर उतारू हो गया और जब वह सेल्फी ले रहा था तभी भालू ने उस पर हमला करके घायल कर दिया। वाकया यही नहीं थमा, शराब के नशे में धुत एक और ग्रामीण भालू को भगाने मैदान में उतर आया और भालू ने उस पर भी हमला कर दिया। ये व्यक्ति भी घायल हो गया। भालू भगाने के दौरान वनरक्षक को भी चोटें आईं। वन विभाग ने भालू को जंगल की तरफ जैसे तैसे भगाया और ग्रामीणों को हिदायत बरतने के लिए कहा। एसडीओपी फॉरेस्ट ने लोगों से अपील की है कि महुआ बाहर न सुखाए, महुआ की गंध से भालू गांव की तरफ आ रहे हैं। ये माड़ा में मलगो हमारी बीट है, उसी से लगा हुआ गांव कुनिया, तो वहां पर जंगल से एक भालू, जिसको कि लोग बताते हैं कि मादा है वहां पे, और उसके दो बच्चे भी वहीं पास में कहीं रहते हैं। तो वो क्योंकि इसमें महुआ का टाइम चल रहा है, तो महुआ उसका एक प्रिय खाद्य पदार्थ होता है, तो महुए की वजह से वो आकर्षित होकर के गांव की तरफ आया। और गांव की तरफ आने में एक मिस्टर जायसवाल हैं, तो उनके घर में घुस गया वो, सीताराम जायसवाल। और उसके बाद हमारी टीम, जैसे ही हमें खबर लगती है तो हमारी टीम वहां पहुंचती है, वन विभाग की टीम, और उस टीम के द्वारा उसको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान काफ़ी, चूँकि भीड़ इकट्ठा हो गई थी, भीड़ को समझाने के बाद, बताने के बाद भी थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, तो इसके दौरान रेस्क्यू जब कर रहे थे तो जैसे ही उसे बाहर निकालने के लिए किए, तो उसमें से एक बंदा था, उसका नाम साकेत, संतोष साकेत है, तो उसने जो है उसको फोटो लेने के चक्कर में, सेल्फी के चक्कर में वो उसके ऊपर अटैक किया और उसको खरोंच मारा पंजे से। इसी तरह से एक ड्रंक किया हुआ था, तो उसने उसके ऊपर उसने किया, और कुल मिला के चार लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक हमारा बंदरक्षक। आज 102 घंटा पहले किया है। कहाँ पे हमला किया भालू? ग्राम मलगो में एक घर में घुसा था, ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी, तो पुलिस और वन विभाग की टीम वहाँ पर गई थी, फिर वो बाहर निकला तो फिर अटैक कर दिया। कितने लोगों को हमला किया? अभी तो मेरे ऊपर किया था, बाद में पता नहीं। क्या भालू को अभी पकड़ लिया गया है? भालू अभी नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया। रेस्क्यू वहाँ पे चल रहा है जी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।